हवामहे प्रियनाअन्तं प्रियपतिक्तं कविनः कवित्कृतज्ञं कविनः कवित्कृतज्ञं हवामहे निधिनाअन्तं निधिपतिक्तं कविनः कवित्कृतज्ञं कविनः कवित्कृतज्ञं कविनः कवित्कृतज्ञं हवामहे पशुमः ओं श्रीयश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या अहोरात्र पार्श्वनक्षत्राणि रूपङ्गमैषी न जातमिश्चन्नसाणा मुन्मयशाण सर्वलोकङ्गमैषाः नीलाचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलाभद्रं सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः अनाथस्य जगन्नाथ नाथत्वेन संशय यस्य नाथ जगन्नाथत्वं कथं तव वन्दे देवं उमापतिं शिवगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे कन्नगभूषणं गृहधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे साङ्गवन्दीनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाप्रियं च भरतं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ दिं दिं दिमकृत्तदिं मदिं मदमरुं कालोषधायुष्यदे Thank you.
बड़ी होकर अच्छा इंसान बन सकूं और देश की सेवा कर सकूं।
बड़े होकर अच्छा इंसान बन सको और देश का सेवा कर सको। मैं ओम प्रकाश नायक नवी कक्षा का छात्र हूँ। मैं भी बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनकर अपने राज्य तथा देश का सेवा करना चाहता हूँ। देखिए आप सबने अभी अपने सपने के बारे में बताया कि पढ़ लिख कर हमें किसी ने कहा अच्छा इंसान बनना, देश और राज्य की सेवा करना, किसी ने कहा टीचर बनना, किसी ने कहा आईएएस बनना। ये जो सपना आपने देखा उस सपना को साकार करने के लिए कठिन मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, तभी जाके अपने सपने को आप साकार कर सकेंगे, तभी कर सकेंगे। तो अपने अपने जितने भी बच्चे हैं जो आप पढ़ रहे हैं, जरूर एक सपना देखो, बड़ा सपना, कुछ बनने का नहीं बल्कि सपना देखो कुछ करने का, तो सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करके पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। एजुकेशन इको सिस्टम के साथ साथ खेल भी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। खेल को भी आप अपने कैरियर का एक माध्यम बना सकते हैं। आज आप देख रहे हैं ना, बहुत सा खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं ना, अपने कैरियर बना रहे हैं खेल के माध्यम से। अक्सर माता पिता कहता है कि खिलाड़ी पे उतना ध्यान देता नहीं, लेकिन आज आप देख रहे हैं खेल को माननीय मोदी जी ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं, खेलो इंडिया, तो एक कैरियर आपका खेल भी हो सकता। और ऐसे ही आपका उड़ीसा हॉकी के क्षेत्र में काफी अग्रणी है, और भी खेल है, फुटबॉल है, हॉकी है,
इस सेक्टर को भी आपको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत जरूरी है, इससे मानसिक विकास शारीरिक विकास भी होते हैं। सिर्फ पढ़ाई से पढ़ना ही सिर्फ नहीं है, दिन रात पढ़ना, उस समय खेलकूद में भी अपना हाथ बढ़ाना। दूसरा, बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ना, ठीक है? ठीक है, आपके घर की आर्थिक स्थिति परिस्थिति जो भी हो, लेकिन माता पिता जोर दे के हमको पढ़ना, खासकर गांव साइड में ये गांव के माता पिता की मानसिकता रहती है कि बेटी को पढ़ा के क्या करना है, बेटी तो शादी होके दूसरा घर जाएगा। इस कारण या फिर कुछ गरीबी के कारण बीच में पढ़ाई भी छूट जाती है। ये जो ड्रॉप से भी अनुरोध है कि आपकी भूमिका इस राष्ट्र के निर्माता के लिए, क्योंकि जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उड़ीसा और देश के भविष्य, एक अच्छा इंसान राज्य के लिए भी जरूरी है और देश के लिए भी, अच्छी संस्कार अनुशासन अभी से सेवा सामाजिक कार्य का भाव और हमारे बच्चों में रहे, ताकि अच्छी संस्कार होकर ये जो सपना देखा कि एक अच्छा इंसान बने, अच्छे इंसान बनाने के जो गुण है वो गुण की भी नैतिक शिक्षा हम अपने बच्चों को भी दे, ताकि अच्छे संस्कार हमारे बच्चे को मिले। और आपको भी खुशी होगा आपके स्कूल के बच्चे कोई IPS बनेंगे, कोई अच्छे टीचर बनेंगे, लेक्चरर बनेंगे, प्रोफेसर होगा, तो आपकी भी जीवन जो आप शिक्षा प्राप्त करके टीचर प्रोफेसर बने तो आपको भी जीवन सफल होगा कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज IAS आज IPS बना आई टीचर, तो आपके भी जीवन सफल होगा। कि ये भावना टीचरों में रहनी चाहिए, बच्चों को अधिक से अधिक जिज्ञासु करना। बच्चा अगर कोई चीज जानकारी चाहता है तो हेरिटेज ज्यादा नहीं होती, बच्चों जो पूछता है उसको जिज्ञासा को हमें साफ करना, उसका उत्तर देना, तो ये भी शिक्षक शिक्षा में एक गुण भी रहनी चाहिए। और मुझे पूरी भरोसा है कि गवर्नमेंट स्कूल आने वाले समय में एक अच्छा लायक स्थापित करें शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे नैतिक शिक्षा हो चाहे खेल के क्षेत्र में, एक नई प्रतिभा स्थापित करें और सभी स्कूल के बच्चे बच्चों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया उस लक्ष्य को प्राप्त करें। आप सबको मालूम है कि देश का महामार्ग राष्ट्रपति कौन है, किनको किनको मालूम, हाथ उठाइए, सबको मालूम है कौन है, खड़ा होकर बताया तो नहीं, श्रीमति मत बोलिए, अब राष्ट्रपति हो गया आदरणीय श्रीमति द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि इस देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, उसको हमें सम्मान देना, ठीक है? क्या बोलेगी? हाँ, या फिर महावर नहीं बोल सकते हैं तो आदरणीय। अब इसी उड़ीसा के रैरकपुर के दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में जन्मी, परिस्थिति विपरीत परिस्थिति के बावजूद उनके पति की मृत्यु हो गई, दो जवान बेटा की भी मृत्यु हो गई एक्सीडेंट, लेकिन परिस्थिति से लड़ते हुए, क्योंकि वो भी एक शिक्षिका था और आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत का आज राष्ट्रपति महोदय आज रायरकपुर से रायसीना बिल्डिंग तक पहुंची ना, रायरकपुर से दिल्ली के रायसीना बिल्डिंग, इसी उड़ीसा की एक आदिवासी महिला, तो हम सबके लिए प्रेरणा होनी चाहिए। लाख परिस्थिति का कितना परिस्थिति उसकी खराब आई उसके परिवार में भी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हो, ये हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत सपना का आपने देखा है।
माँ सरस्वती आप सबकी सपना को पूरा करें। सरस्वती पूजा भी आने वाला है, पूजा धूमधाम से करिए। माँ सरस्वती से अपने अपने सपने को साकार करने के लिए आशीर्वाद लीजिए। हम सबको सरस्वती पूजा का भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, class. Go. Thank you, AMT. Thank you, class. Go. रेलवे स्टेशन से रेलवे स्टेशन नहीं नहीं वो एयरपोर्ट में वेट कर रहे हैं। कौन वेट कर रहे हैं? मैडम को चलो चलो चलो।